रबी अव्वल को जनाह वेलफेयर बागुल कलां के ज़ेर तमाम वसी दस्तरखान बिछाया गया, जिसमें पूरा दिन अवाम को लंगर खिलाया गया। जनाह वेलफेयर के सदर मलक उमर मीद ने बताया कि जैसे कि हमने पहले भी हमारी वेलफेयर ने बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें कब्रस्तान की चारदीवारी और इस तरह के फ्लाई काम किए हैं, इसी तरह आज हमने जनाह वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम लंगर खान का दस्तरखान का लंगर कायम किया है। उनका साथ दिया सीनियर नायब सदर सेठ वकार कादरी, सेक्रेटरी फिनांस बलाल अकरम, सेक्रेटरी इत्तला नशरियात शेब बाजवा उर्फ कैप्टन बाजवा और उस्मान चीमा ने। उन्होंने मज़ीद बताया कि हम इंशाल्लाह इसी तरह लंगर का हर साल 12 रबी अव्वल को वसी इंतज़ाम करते रहेंगे। सीनियर साफ़ी शेख मुजफ्फर हुसैन, बागुल कलां, गुजरात। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रेसिडेंट जनाह वेलफेयर सोसाइटी। हम पीछे 2 साल से वेलफेयर सोसाइटी का काम कर रहे हैं और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पूरी टीम को, जनाब नायब सीनियर नायब सदर सेठ वकार साहब को, जनाब शुएब बाजवा साहब को। कैप्टन शुएब बाजवा साहब भी हमारे साथ साथ ही चले हैं। अगर हमने कोई कंपेन चलाई है चंदा इकट्ठा करने की, फिर भी बाजवा साहब भी साथ हुए हैं। वकार साहब हमारे सेक्रेटरी फिनांस, जनाब बिलाल अकरम साहब भी हमारे साथ हुए हैं। और आज 12 रबी अव्वल पे भी हमने ये ऐलान किया था हम पूरा दिन इंशाल्लाह लंगर का इत्माम करेंगे, और सारे दिन से जनाह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लोगों को लंगर खिला रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक हमारे सांस चल रहे हैं हम वेलफेयर सोसाइटी का काम करते रहेंगे। यूनियन काउंसिल बागोल यूसी 19 की फ़िलहाल तो हमने ये एक गांव लेवल पे यूसी लेवल पे जनाह वेलफेयर सोसाइटी है, जैसे कि पहले भी हमने बहुत ज़्यादा ऐसे काम कराए हैं जनाजगाह के, बस स्टॉप के। अभी कुछ दिन पहले हमने ये बच्चों को एडमिशन वगैरह करवाए हैं कॉलेज में, स्कूल में। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसी तरह ये काम जारी सारी रखेंगे इंशाल्लाह। आज इसे इंशाल्लाह। बाजवा साहब जी, जनाब वाले अच्छा काम कर रहे हैं।